हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ डे इन माय लाइफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको हैंड एंड फीट स्किन केयर टिप्स दूंगी। आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। चेहरे के साथ साथ जो हमारे हाथ पांव हैं उनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अब विंटर्स हैं तो आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, आपको चाहिए कि आप अपने हाथों पाँव को मॉइस्चराइज रखें, उनको बिल्कुल ड्राई ना होने दें। क्योंकि मैं अगर किसी से मिलती हूँ तो सबसे पहले मैं अगले बंदे के हाथ पाँव देखती हूँ कि उसने कैसे मेंटेन किए हुए हैं। और इनको हमें भी चाहिए कि इनका हम थोड़ा ख्याल रखें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनकी क्रैक्ड हील्स वगैरह होती हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही केयरलेस होते हैं। हमें साफ पता चल रहा होता है कि ये हाथों पाँव पे कुछ नहीं लगाते क्योंकि उनकी एड़ियाँ फटी हुई होती हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़रूर कोई मैनीक्योर पेडीक्योर करवाएं और नेल पॉलिश प्रॉपर, ये नहीं कह रही, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो खुद से भी करना चाहिए ना। अपने हाथों पाँव को आप मॉइस्चराइज रखें, कुछ ऐसा बनाएं कि आप उन पे लगा लें, रात को सोते वक्त लगा लें। अब सर्दियाँ हैं तो आप कुछ भी उन पे लगा सकते हैं। कुछ लोगों के पास मॉइस्चराइज़र नहीं भी होते, तो आज उनके लिए मैं एक बहुत ही इजी रेमेडी लाई हूँ, जिसमें मैं आपको एक स्क्रब बताऊंगी जो हम बना रहे हैं। बहुत ही इजी है और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये आपके घर में आसानी से पड़ी। स्क्रब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो आपको ये नज़र आ रहे हैं। हमारे पास वैसलीन पड़ी हुई है, उसके अलावा हमारे पास शुगर है, बेकिंग सोडा है और आलमंड ड्रॉप्स हैं, उसके अलावा हनी है। तो ये चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं। ये मैं इसमें ले रही हूँ 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, उसके बाद 1 टेबल स्पून शुगर, उसके बाद 1/2 टेबल स्पून इसमें हम शहद डालेंगे, इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून वैसलीन डालेंगे, ये भी होगी। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें बादाम का तेल ले लिया है, ये हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप इसमें जैतून का तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ही करना है। तो आप कोई भी आलमंड ऑयल ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही थिक सा पेस्ट बन चुका है। हमने जो इसमें वैसलीन और बादाम का तेल और हनी डाला है ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। उसके अलावा इसमें हमने शुगर डाली है तो इससे हमारी जो डेड स्किन है वो उतर जाएगी। और ये जो बेकिंग सोडा है ये जो हमारी एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसको ये किल करेगा, जो सारे जर्म्स वगैरह हैं उसको ये किल। स्क्रब हमारा रेडी हो चुका है। इसको आप अपने हाथों और पाँव पे, अगर आप, ये तो मैंने थोड़ा बनाया ना, तो अगर आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं क्योंकि आपने हाथ पाँव पे लगाना है, तो 15 मिनट के लिए आप इसको लगा के छोड़ दें एक मास्क की सूरत में। जिस तरह मास्क लगाते हैं ना आप, बिल्कुल उसी तरह अपने अपनी ये हाथ और पाँव पे लगा लेने हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आप अपने हाथ और पैरों को आप वॉश कर लें। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि कुछ हम अगर कुछ भी हम कर रहे हैं ना, फेस पे ब्लीच कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र क्लिंजर कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसके बाद हम जब फेस वॉश करने जाते हैं, कुछ लोग सोप के साथ करते हैं, तो सोप मैं कहूँगी कि बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं ना, तो उसके बाद अगर आप मुंह धोएंगे साबुन के साथ तो वो बिल्कुल आप उससे आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये एक आपको मैं टिप दे रही हूँ कि ऐसी चीज़ें लगाने के बाद आप फेस वॉश और सोप्स वगैरह को अवॉइड करें। बिल्कुल नीम गर्म पानी, सादे पानी से आप अपना मुंह धो लें। हाथ पाँव पर लगाने के बाद भी आप इसको सादे पानी से आप धो सकते हैं। तो जी, ये आज का हमारा स्क्रब रेडी हो चुका है। अब इसको मैं लगाऊंगी, ये बहुत ही अच्छा है। तो 15 मिनट इसको आपने ज़रूर देने हैं, मैक्सिमम 15 मिनट तो हों ही। अगर
10 मिनट भी आप दे सकते हैं, लेकिन 15 मिनट इसको मैं दूंगी। ये स्क्रब आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करेगा, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। सर्दियां हैं तो आपको आपकी स्किन को बहुत ही नरम मुलायम करेगा। तो आज की वीडियो मेरी यही थी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो भी बताएं, नहीं लगी तो भी बताएं। और मेरा चैनल न्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में आप आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी आपको बना के दिखा दूंगी। और साथ में दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर बताएं। आज की हमारी यही वीडियो थी, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।